गुड मॉर्निंग एवरी वन, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम। स्टार्क इफेक्ट क्या होगा आपके पास? स्टार्क डिस्कवर मतलब हमारे पास क्या होगा इफेक्ट, कब डिस्कवर किया गया था? जब बाल्मर लाइंस को हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया कि मेरे पास उनके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया अबाउट 10^5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या होगी, जो लाइट है, जो लाइंस है, वो क्या होगी, स्प्लिट हो गई थी फर्दर कंपोनेंट्स में। और वहाँ पे व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सम ऑफ कंपोनेंट ईच आर प्लेन पोलराइज विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द फील्ड। ये बोला जब हमने परपेंडिकुलर व्यू से ऑब्जर्वेशन की तो वहाँ पे क्या था, प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही थी, डायरेक्ट बोल सकते पाई कंपोनेंट मिल रहे थे, और दूसरी पोलराइज लाइट थी जो मेरे पास, जो पैरेलल कंपोनेंट मिलेंगे फील्ड के वो पाई हैं, और जो फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल रहे थे वो कौन से थे आपके पास, सिग्मा कंपोनेंट। अभी बोल रहे ये तो हमने ऑब्जर्वेशन की परपेंडिकुलर, अगर हम ये बोला पैरेलल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ पे ओनली कौन से, सिग्मा कंपोनेंट अपीयर हो रहे थे विच आर नाउ अनपोलराइज, जो क्या थे, अनपोलराइज फॉर्म में थे। तो जो स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको क्या बोलोगे आप, स्टार्क इफेक्ट बोलोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट या ये टाइप से स्प्लिटिंग ऑफ जो मेरे पास पैटर्न है या स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास अब तक मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन स्टार्क इफेक्ट में जीवन इफेक्ट है, पार्शन इफेक्ट है, या फिर एनमलस जीवन इफेक्ट है, तीनों में मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन स्टार्क इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास है एक वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा, ये बोल रहे हमें क्या करना है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन, जो मेरे पास हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन है उनके ऊपर, फॉर विच इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। तो मेरे पास इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, मेरे पास जैसे जे की इंट्रैक्शन एनर्जी है, एक तो मेरे पास एल और एस के बीच में इंट्रैक्शन होती थी मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, वो इंट्रैक्शन कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड में एल और एस के बीच में जो इंट्रैक्शन थी, इंट्रैक्ट कर रहे थे, वो हायर थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोले मेरे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी इंट्रैक्शन क्या मिलेगी, लेस मिलेगी एज कम्पेयर टू जो मेरे पास इंट्रैक्शन एनर्जी मिल रही थी एल और एस के बीच में इंट्रैक्शन से। ठीक है, फॉर विच स्टार्क स्प्लिटिंग इज स्मॉलर, तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा, उसके कंपेरिजन में मेरे पास जो स्टार्क की स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, स्मॉल मिलेगी आपको। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एल और एस क्या करेंगे, जे के साथ कपलिंग करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, एस का जो इफेक्ट होगा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एल को या फिर हम बोल सकते जे को कंसिडर करके चलेंगे, तो मेरे पास जे क्या होगा, क्वांटाइज फॉर्म में एम जे की वैल्यू क्या मिलेगी, एम जे, तो एम जे की वैल्यू, सॉरी एम जे एच कट क्वांटाइज फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, और एम जे की वैल्यू सभी को पता है माइनस जे टू जे तक वैरी करेगी। हावेवर इन कॉन्टैक्ट, जैसे जीमन लेवल है उसमें मेरे पास एम एल टू प्लस एम एल टू माइनस एम एल लाई कर रही थी, यहाँ पे क्या है, एम जे की फॉर्म में मिलेगी। और जो मेरे पास लेवल है स्टार्क लेवल एम प्लस एम जे या फिर माइनस एम जे, क्या गिवन अनपर्टर्ब लेवल, अनपर्टर्ब लेवल मतलब मेरे पास क्या होगा, इनमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम मिलेगी, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। पर्टर्ब लेवल होते हैं जिसमें मेरे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो और मेरे पास एनर्जी में क्या हो, वेरिएशन हो, एनर्जी चेंज हो जाए आपकी। ठीक है, जैसे इसने शो कर रखे लेवल, द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन फोर एन इज इक्वल टू टू और एन इज इक्वल टू थ्री के लिए इसने एनर्जी लेवल शो किया एच अल्फा लाइन के लिए। ये मेरे पास जब एच अल्फा की नॉर्मल लाइन है तब हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ये है जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो पहले देखते हैं, जब तक कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया मेरे पास जो लेवल है वो डिफाइन कर रखे हैं, तो मेरे पास क्या, जैसे फाइन स्ट्रक्चर है उसमें मेरे पास उसका सिलेक्शन रूल होता था डेल एल प्लस माइनस वन और डेल जे जीरो और प्लस माइनस वन, लेकिन जीरो से जीरो की ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं थी। तो मेरे पास यहाँ पे लेवल है टू एस हाफ टू पी वन बाई टू एन इजकल टू टू के, और दूसरा लेवल है मेरे पास टू पी थ्री बाई टू। ऐसे मेरे पास एन इजकल टू थ्री के फाइव लेवल आए थे वहाँ पे, टू पी वन बाई टू टू एस हाफ थ्री बाई टू वाले लेवल एक जगह पे, और फिर ये फाइव बाई टू वाले लेवल आपके पास। ठीक है, वैसे ड्रैग नोटेशन से आते हैं। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इसने जो डेल एल प्लस माइनस वन और डेल जे जीरो प्लस माइनस वन उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, एच अल्फा लाइन की फाइव स्पेक्ट्रल लाइन है जो वो शो की गई थी। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि पी एस हाफ है और पी है, तो मेरे पास ट्रांजिशन पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या होगा, इससे भी पॉसिबल है ये भी, और मेरे पास क्या होगा, इन दोनों लेवल से इस पे भी पॉसिबल। डी से पी पे नहीं हो सकती, क्योंकि डी से पी पे डेल एल तो प्लस माइनस वन की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जो एस के जो जे की वैल्यू यहाँ पे फाइव बाई टू है, और यहाँ पे क्या होगी,
वन बाय टू है तो 5/2 - 1/2 किसके इक्वल होगा, टू के ना, तो मेरे पास ये पॉसिबल नहीं है इस वजह से। अगर दूसरा मैं बोलूँ डी, यहाँ पे एस लेवल भी एस पे हो सकते हैं लेकिन एल की वैल्यू क्या देगा, एस के केस में एल की वैल्यू क्या होगी, 0, और डी के केस में 2, तो डिफरेंस क्या देगा, 2 का। इस वजह से ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, बाकी जितनी भी ट्रांजिशन है वो क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। अब मेरे पास हमने क्या कर दिया, इस पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास लेवल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो मेरे पास लेवल किस में से, एम प्लस एम जे और माइनस एम जे इसी फॉर्म में होंगे ना। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू हाफ है, तो मेरे पास क्या हो गए, एम जे की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो मेरे पास ये क्या हो गया, दो लेवल में स्प्लिट हो गया, प्लस हाफ और माइनस हाफ। पी 3/2 है तो मेरे पास कितने में स्प्लिट होगा, प्लस माइनस हाफ, प्लस प्लस माइनस 3/2, 4 में स्प्लिट होगा, कि क्योंकि मेरे पास जे की वैल्यू 3/2 है, तो एम जे की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी हाफ है तो 2 में स्प्लिट होगा, यहाँ पे क्या 3/2 है तो वही 4 में स्प्लिट होगा, यहाँ पे 5/2 है तो मेरे पास क्या होगा, ऐसे ही मेरे पास स्प्लिटिंग क्या होगी, बढ़ती जाएंगी। 5/2 वाले में क्या होगा, +5/2, -5/2, 3 + 3, +-3/2 और +-1/2, मतलब ये एक्चुअल में 6 में स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशन आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे अगर ट्रांजिशन देखिए तो मेरे पास क्या होगा, जैसे इसने शो कर रखी है, तो इसमें भी सिलेक्शन रूल मेरे पास डेल एम जे की वैल्यू 0 और +-1 के इक्वल होगी। डेल एम जे जहाँ पे 0 होगा वो मेरे पास पाई कंपोनेंट होंगे जितने भी होंगे, और मेरे पास डेल एम जे +-1 होंगे वहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, सिग्मा कंपोनेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ 5 लाइन मिल रही थी, बट ये पैटर्न हो गए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ऑब्जर्वेशन इसकी। तो मेरे पास इसमें क्या होगा, अगर इसका जैसे कुछ ट्रांजिशन, पूरी ट्रांजिशन शो नहीं कर रखी है, कुछ ट्रांजिशन है जो शो कर रखी है, डेल एम जे की वैल्यू क्यों होनी चाहिए 0 और +-1। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ प्लस हाफ से जाऊँ, प्लस ये +-1/2 है, तो ये भी क्या होगा, एक्चुअल में 2 में लिखा जाएगा, और ये भी मेरे पास क्या होगा, 2 लेवल्स में लिखा जाएगा इस फॉर्म में। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ से ट्रांजिशन क्या होगी, प्लस हाफ से, प्लस हाफ में इस पर ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास क्या होगा, और प्लस हाफ से 3/2 पे भी पॉसिबल है क्योंकि 1 वैल्यू देगा और यहाँ से क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। सेम केस यहाँ जितने भी ट्रांजिशन है मेरे पास क्या होगा, सारी क्या होगी ट्रांजिशन इस पे +-3/2 पे होगी। ऐसे मेरे पास इससे सारी ट्रांजिशन क्या होगी, लेवल पे होगी। मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांजिशन लाइंस है वो क्या होगी, बस हमें ये होना चाहिए कि मेरे पास डेल एम जे की वैल्यू जहाँ पे भी +-1 और 0 हो रही है वही क्या होगी, ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि नॉर्मली मेरे पास क्या होगा, अगर इसी फॉर्म में जो कुछ ट्रांजिशन ने शो कर रखी हैं, यहाँ से क्या होगा, 4 स्प्लिटिंग है तो 4ों से मेरे पास इस पे ट्रांजिशन हो रही है, इन दो, इन दो से यहाँ पे ट्रांजिशन होगी। अब इन्हीं लाइन से मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, इनसे यहाँ पे भी ट्रांजिशन होगी, ऊपर वाली जो लेवल है उनसे यहाँ पे भी ट्रांजिशन। तो मेरे पास जो लाइन होगी है क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा आएगा। मतलब मेरे पास वहाँ पे तो जब तक कोई फील्ड नहीं था, एक 5 लाइन का स्पेक्ट्रा शो कर रहे थे, बट मेरे पास जैसे ही फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा मिलेगा जिसमें मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, ठीक है। तो वीक फील्ड स्टार्क पैटर्न हैज़ नेवर बीन ऑब्जर्व्ड, ये बोला मेरे पास क्या होगा, वो ऑब्जर्व मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही इसकी, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे आपको। अनपेड एनर्जी लेवल, ये बोला जैसे 2P 3/2 और 2D 5/2, 3/2 और 5/2, यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास क्या होगा, 4 ही शो कर रखे हैं ना, और इसमें भी एक सिंगल लाइन शो कर रखी है। ये बोले डू नॉट शो स्टार्क स्प्लिटिंग, क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होगा, मतलब अनपेड एनर्जी लेवल नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास 2P 3/2 और 2P 5/2 है, उसको स्प्लिट नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये मेरे पास क्या होंगे, ये क्या होंगे, जो स्टार्क इफेक्ट है उसको शो नहीं करेंगे। और बाकी जितने भी हैं लेवल मेरे पास 1/2, S 1/2, P 1/2, P 2 1/2, ऐसे P 3/2, ये मेरे पास सारे क्या करेंगे, शो करें, सॉरी ये भी सिंगल लाइन शो कर रखी है ना, तो इसका मतलब ये P क्या होगा, स्प्लिटिंग को शो नहीं करेगा, ये वन, दिस वन और दिस वन, ये मेरे पास क्या होगा, स्प्लिटिंग को शो नहीं करेंगे। यहाँ पे भी P 3/2 है तो इसमें भी सिर्फ डी वाले की स्प्लिटिंग कर रखी है हमने, ठीक है, 4 लेवल ही शो कर रखे हैं ना। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने दोनों के प्लस माइनस आप शो कर रखे हैं, बट इसमें मेरे पास एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो मेरे पास क्या होगा, इसका ये स्टार्क स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेम हमने D 5/2 पे सिंगल लाइन शो कर रखी, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और बाकी सब हमने लेवल स्प्लिट करके दिखा रखे, तो मेरे पास क्या हो गए, ये मेरे पास लाइन ऑब्जर्वेशन जो स्पेक्ट्रा है ये ऑब्जर्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या था, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वीक होगा।